हेलो एवरीवन। तो अभी हम बात करने वाले हैं नीट 2023 एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। तो प्यारे बच्चों, टाइम्स नाउ में एक आर्टिकल छपा हुआ है। उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि एनटीए ने तीन डेट्स को शेड्यूल किया है, उनमें से किसी एक पर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। पहले ये माना जा रहा था कि 7 मई को है आपका एग्ज़ाम, बट 7 मई को उनमें से एक भी डेट नहीं दे रखी है। तो वो डेट है 28 मई, 11 जून या फिर 18 जून। इन तीनों डेटों में से एक डेट को आपका जो है एग्ज़ाम वो कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके लिए समय थोड़ा कम है, तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको वो किस तरह से करनी है यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करनी है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपको एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करनी है। फिजिक्स में आप उसे समझने में दिक्कत आ रही है, तो आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़कर फिजिक्स की बुक के जो इंडेक्स क्वेश्चन हैं उन सबको आपको क्या करना है, देखना है, उनको सॉल्व करना है। कोई भी अदर मटेरियल आपको यूज़ नहीं करना है, चाहे वो कुछ भी हो, अदर मॉड्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, इन्हें यूज़ नहीं करना है। जो अब तक आपने पढ़ा है उसी का ही यूज़ करना है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करनी है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड हो रहा है। पीवाईक्यूज आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देने हैं, 7 दिन में या फिर 1 महीने में आपको एक मॉक टेस्ट तो देना ही है, चाहे वो फुल लेंथ हो सकता है या फिर टॉपिक वाइज हो सकता है। किसी तरह का टेस्ट आपको ज़रूर देना है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये तो थी इम्पोर्टेंट अपडेट जो एनटीए ने रिलीज़ की है। ओके, तो किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।